हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फ़हीम, वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार रहने वाला है, काफ़ी बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दिस फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियो, सोर्सेज आर द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों आज है 27 जुलाई, और देख लेते हैं। देखिए 26 और 27 कल संडे था, संडे में कोई स्पेशल टॉपिक हमने डिस्कस किया था, क्लियर। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं 26 और 27, क्लियर, संडे प्लस मंडे, तो दोनों दिन का करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, वेदर इट इज ए UPSC, PCS, EPFO, SSC, CDS, बैंकिंग एंड रेलवे। दोस्तों एक न्यूज़ में है कि स्वामी फंड, ठीक है, आखिर स्वामी फंड है क्या। तो दोस्तों अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने अभी इस फंड को रिव्यू करने की बात की गई है। तो इसका मतलब ये फंड पहले ही सेटअप हो चुका है। तो इस फंड को जो सेटअप किया था दोस्तों, ये किया था नवंबर 2019 में, क्लियर। तो अभी इसको सेटअप, अभी इसको रिव्यू करने की बात कही जा रही है। अब देख लेते इसकी फुल फॉर्म क्या है स्वामी की। स्पेशल विंडो फॉर एफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, क्लियर। तो देख सकते हैं ये एक स्पेशल विंडो है, एक स्पेशल द्वार है, जिससे कि अफोर्डेबल और जो भी मिड इनकम वाले पीपल हैं, ठीक है, उनको एक अफोर्डेबल, ठीक है, एक हाउस प्रोवाइड कराया जा सके, क्लियर। तो इसलिए फंड बनाया गया है। बाकी देख सकते हैं किसमें ये फॉर्म किया गया है, किस लिए ये कंस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है, और मिड इनकम जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसको, ठीक है, उसको फंड प्रोवाइड करेगा। और जो रेरा के अंदर जो प्रोजेक्ट आते हैं, ठीक है, जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है, तो दोस्तों जो रेरा आया था 2016 में एक्ट आया था, क्लियर, ध्यान रखिएगा, ये आपका रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है, 2016 में आया। तो इसके अंदर भी जो भी अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड कराने हैं, तो उसके लिए भी ये फंड जो है, ठीक है, इससे प्रोवाइड होता है, क्लियर। अब देख लेते हैं लगभग इसमें अभी जो अप्रूव किए गए थे इस फंड के तहत, 81 प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए थे, और जो इन्वेस्टमेंट होने वाला था लगभग 8,767 करोड़ का, क्लियर। और जो टोटल कॉर्पस है, टोटल फंड जो है इसके अंदर लगभग 12,500 करोड़ का। तो देख सकते हैं बाकी इस जो फंड को स्पॉन्सर करेंगे दोस्तों सेक्रेटरी करेंगे, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द फाइनेंस, क्लियर। इसके बाद में देख सकते हैं कि ये फंड जो कहाँ पर स्प्रेड हुआ, कहाँ सैंक्शन हुआ है, ठीक है, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, तो यहाँ पर ये फंड हुआ है। बाकी टायर टू लोकेशन में देख सकते हैं पानीपत, करनाल, लखनऊ, देहरादून, जयपुर, चंडीगढ़, नासिक, जयपुर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये फंड यहाँ पर अभी स्प्रेड हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं जनरली, स्पेशल विंडो फॉर एफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, ठीक है, ये फंड है। अगला देख लेते हैं, अभी एक लगभग 100 इलेक्ट्रिक पावर पोर्टर व्हील्स अभी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी के द्वारा, क्लियर। कितने 100 इलेक्ट्रिक पोर्टर, ये देखिए पोर्टर इस तरीके से होता है जहाँ पर ये कुमार जो भी बर्तन वगैरह बनाता है, तो इसको एक इलेक्ट्रिक तरीके से बनाया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही चलता है। तो ये अभी 100 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और किसको किए गए हैं, किस प्रोजेक्ट के तहत, एक प्रोजेक्ट आया कुम्हार सशक्तिकरण योजना, ठीक है, ये योजना आई थी, इस योजना के तहत ये बांटा गया है। और ये जो योजना है किसके अंडर में वर्क करती है, ये है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पे ये वर्क करती है। बाकी देख सकते हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लगभग मार्जिनलाइज सेक्टर जो है, ठीक है, उनको ये जो मार्जिनलाइज पोर्टर कम्युनिटी है, ठीक है, उनको ये प्रोवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान के द्वारा, क्लियर। और देख लेते हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो भी लोग ट्रेंड हुए थे अंडर द कुमार सशक्तिकरण योजना, जो भी इस योजना के तहत, क्लियर, जो ट्रेंड हुए थे, तो उनको ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ध्यान रखिएगा। बाकी इस योजना को देख लेते हैं, कुमार सशक्तिकरण योजना क्या है, ये देखिए स्कीम जो लॉन्च की गई थी KVIC, क्लियर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, तो इसने ये लॉन्च की थी स्कीम। बाकी सपोर्ट करता है दोस्तों, एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है इन द फील्ड ऑफ द पोल्ट्री प्रोडक्ट, ठीक है, किस तरीके से नए नए पोल्ट्री प्रोडक्ट बनाए जाएँ, क्या टेक्नोलॉजी, ठीक है, अप्लाई करनी चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी। और एक तरीके से इसका जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, तो उस तरीके से कैसे एग्जीबिशन हो, लोगों के पास कैसे पहुंचे कि इस तरीके का एक नया प्रोडक्ट बनाए, क्लियर। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो KVIC एग्जीबिशन करता है ये, ठीक है, ये योजना। और बाकी के एक नई टेक्नोलॉजी के क्या क्या इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं, जैसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चौक, तो इस तरीके से इसको प्रमोट करने की बात कही जा रही है। बाकी ये देखिए कौन कौन से स्टेट में, लगभग काफ़ी सारे स्टेट में प्रोजेक्ट
लॉन्च हो गया, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, ठीक है, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात। तो ध्यान रखेगा, ध्यान रखना कि जो ठीक है डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है, 100 इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी देख लेते, KBIC काफ़ी न्यूज़ में रहता क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, आपको पता है स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट जो सांसद एक्ट बनाती है, उस एक्ट के तहत कोई भी बॉडी बनाई जाती है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। और किससे एक आता कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसी अनुच्छेद या किसी आर्टिकल के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल या अनुच्छेद है उसके तहत बॉडी बनाई जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ध्यान रखिएगा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और जो फॉर्म्ड हुई थी लगभग 1957 में फॉर्म्ड हुई थी, और ये जो एक्ट आया था, ये एक्ट आया था 1956 में, ध्यान रखिएगा। तो एक्ट जो आया था 1956 में, उसके एक साल बाद ये बॉडी बना दी गई थी 1956 में, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, MSME, ध्यान रखिएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये बॉडी आती है। बाकी इसका प्लान क्या, एम है, इसको प्रमोट करना है, फैसिलिटेट करना है, जो भी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री है रूरल एरिया में, ठीक है, तो रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है ये। बाकी इसका हेड ऑफिस पूछ लेता है, हेड ऑफिस मुंबई में, और बाकी 6 जोनल ऑफिस हैं, कहाँ कहाँ पर है, दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, तो ध्यान रखिएगा। अभी देख लीजिए, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है किसके बीच में, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, इसके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है किसके लिए, एग्रीमेंट ऑन द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, ध्यान रखिएगा, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। तो देखिए, अभी आपने सुना होगा 15th नंबर की जो है अभी सबमिट हुई है किसके, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, क्लियर, तो ध्यान रखिएगा, आ जाती है 15th नंबर की सबमिट हुई है अभी, तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट अभी रिन्यू साइन हुआ है उसको रिन्यू करने के लिए, क्लियर, तो देख लेते हैं 5 साल के लिए रिन्यू किया है ये। दोस्तों पहले एग्रीमेंट आ गया था 2001 में साइन हुआ था, ठीक है, देखिए एग्रीमेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, ठीक है, तो ये एग्रीमेंट जो हुआ था 2001 में साइन हुआ था, इसके बाद में पहले भी ये आपका रिन्यू हो चुका 2007 में, 2005 में, 15 में, अभी फिलहाल में इसको रिन्यू करने की बात कही जा रही है लगभग 2020 से 2025, ठीक है, तो 5 साल के लिए इसको रिन्यू किया जा रहा है। और देख लेते हैं बाकी जो ये एड्रेस करने वाला है, ये बहुत सारे चैलेंज को किस किस फील्ड में काम करने वाला है, वाटर इशू जो होता है, ठीक है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, हेल्थ में वर्क करने वाला है, एनर्जी सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन वगैरह, क्लियर, तो इस तरीके से इसमें वर्क करने वाला है। बाकी देख सकते हैं कोऑपरेशन फोकस कहाँ कहाँ करने वाले, एक तरह से ग्रीन ट्रांसपोर्ट, वाटर, क्लीन एनर्जी में भी, ई मोबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग सस्टेनेबल, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारे ओशियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो काफ़ी सारे फील्ड में ये वर्क करने वाले हैं आपस में मिलकर। अब देख लेते हैं 15th नंबर की सबमिट को, देख लेते हैं क्या है, इंडिया यूरोपियन समिट को, तो देखिए दोस्तों ये अभी लॉन्च किया 15th नंबर की, ध्यान रखें कैसे नंबर याद, ठीक है, जनरली आ जाता है, तो 15th नंबर की हुई है, और जो इंडिया के साइड से जो लॉन्च लेड किया है वो हमारे PM साहब ने किया है, और जो यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, एक तो यूरोपीय हो गया, यूरोप एक यूरोपियन यूनियन होता है, अभी हम इसको पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन क्या है, क्लियर, तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उर्सुला वन देर लेन, तो यहां से और बाकी अदर डेलीगेट्स इन लोगों ने मिलकर इसको वर्चुअली अभी सबमिट ये हेल्ड की है। इसका रोड मैप है दोस्तों 5 साल का है, 2025 तक का है, और ध्यान रखिएगा ये जो सबमिट हुई है एक तरीके से जो भी इसमें बात हुई है ये कोई लीगली बाउंडिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, नोट क्रिएट है नहीं लीगली बाइंडिंग राइट्स, ठीक है, किस तरीके से लीगली बाइंडिंग नहीं, ना ही इसके लिए कोई फाइनेंशियल एलोकेशन अभी, ठीक है, इंक्लूड किया है, तो ध्यान रखिएगा 15th नंबर की सबमिट। अब देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और काफ़ी न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के अभी अभी आपने सुना होगा अभी ब्रेक्जिट हुआ था, ब्रेक्जिट मतलब यूनाइटेड किंगडम इस यूरोपियन यूनियन से अभी एग्जिट किया था, उसको बोलते हैं ब्रेक्जिट, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो काफ़ी न्यूज़ में था। तो यूरोपियन यूनियन जान लेते हैं कितनी कंट्री हैं लगभग इसकी, दोस्तों 28 कंट्री थी, देखिए ये यूरोप की कंट्रीज़ हैं कुछ, ठीक है, ये काफ़ी सारी कंट्री देख सकते हैं आप, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, काफ़ी सारी थी, पहले UK भी था, ये देखिए UK यहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम, अब यहाँ से यूरोपियन यूनियन से ये निकल गया है, वो किसके तहत निकला है, ब्रेक्जिट, ठीक है, ब्रिटेन का एग्जिट होना फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, इसको बोलते हैं ब्रेक्जिट, तो इसके द्वारा ये अभी एग्जिट हो गया। और ध्यान रखिएगा डेट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, डायरेक्टली पूछ ले जाएगा क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में था, लगभग 2016 से ये चल रहा था, तो ये दोस्तों अभी एग्जिट हो गया है UK 31 जनवरी 2020, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट डेट आ जाती है 31 जनवरी 2020 में एग्जिट हो गया। ये जो प्रोसेस चल रहा था दोस्तों ब्रेक्जिट का, मतलब UK का यूरोपियन यूनियन से निकलना, चल रहा था 2016 में,
ठीक है, 2016 से चल रहा था, अभी 2020 में एग्जिट हुआ, लगभग 4 साल लग गए हैं। ठीक है, तो एक तरह से काफ़ी लंबा टाइम लग गया, वो काफ़ी न्यूज़ में रहता था। न्यूज़ में क्यों रहता था, इसमें एक रेफरेंडम हुआ था दोस्तों। रेफरेंडम क्या होता है, जो भी वहाँ की यूके में रेफरेंडम हुआ था, मतलब जो भी यहाँ की पब्लिक है, तो यहाँ से पूछा गया था, वोटिंग हुई थी, पब्लिक वोट हुई थी, वेबसाइट हुआ था कि क्या आप कितने लोग चाह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हैं और कितने लोग नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जब हुआ था तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 52% ऐसे लोग थे जिन्होंने चाहा था कि यहाँ से एग्जिट करना चाह रहे थे, और 48% ऐसे थे जो इसकी यूनियन के अंदर रहना चाह रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखें काफ़ी कम मार्जिन से लोग, ठीक है, ज़्यादा मार्जिन से तो 52% ऐसे लोग थे जो इससे एग्जिट करना चाह रहे थे, तो इसलिए बाद में ये एग्जिट हो गया है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, बाकी देख सकते हैं। अब देखिए पहले 28 कंट्री देखिए, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन का जब जो न्यूज़ में रहता है वहीं से क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें 28 कंट्रीज थी, अब जब यूके निकल गया है तो यहाँ पर कितनी कंट्रीज बची है, 27। तो ध्यान रखिएगा 27 कंट्री है, और यूके एक ऐसा स्टेट बन गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा यूके एक ऐसा स्टेट बन गया जो पहला स्टेट बन गया जो यूरोपियन यूनियन से निकला है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन से पहला स्टेट कौन सा निकला है, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट हो गया है, और देख लेते हैं बाकी इशू क्या था दोस्तों। देखिए देख लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं, एक आता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो देखिए इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम इसको जान लेते हैं। देखिए ये जो है ये एरिया, जैसे स्कॉटलैंड, ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीन मिलके जो कंट्रीज हैं ये, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्लियर, ध्यान रखिएगा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इस तीनों को, ये तीन जो कंट्री इसको मिलकर बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। अब आता है यूनाइटेड किंगडम क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों नॉर्थ, ये देखिए आयल इधर आए आपका आयरलैंड है, यहाँ से देखिए ये चीज़ जो है यहाँ पे, ये आयरलैंड है, ये देखिए यहाँ पे ये, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये आयरलैंड है, इसको बोलते हैं नॉर्थ आयरलैंड, और ये जो बचा है यहाँ पर ये दोस्तों साउथर्न आयरलैंड। क्लियर, तो क्या है यूनाइटेड किंगडम में नॉर्थर्न आयरलैंड भी आता है, देखिए यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट बोला था यूनाइटेड किंगडम। क्लियर, तो देखिए इसको याद रखिएगा, भूलेगा नहीं, तो यूनाइटेड किंगडम में नॉर्थर्न आयरलैंड भी आता है, पूछ लेता है कि पूछा जाएगा यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड। क्लियर, जब अगर ग्रेट ब्रिटेन में अगर नॉर्थर्न आयरलैंड जोड़ देंगे तो वो बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। क्लियर, तो देखिए ये जो पूरी कंट्री, ये अभी एग्जिट किया है कहाँ से, यूरोपियन यूनियन से, ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब इसमें नॉर्थर्न आयरलैंड भी है जिसने एग्जिट किया है यूके, ये पूरा यूके हो गया। अब इशू क्या था दोस्तों, देखिए इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री इशू है। अब मान लो कि यहाँ पे साउथर्न, ये आपका साउथर्न आयरलैंड है, ये नॉर्थर्न आयरलैंड है, आयरलैंड है, तो दोस्तों इसमें क्या एक सोशल कल्चरल रिलेशन भी होते हैं, ठीक है, जो बाउंड्री पर रहते हैं, तो काफ़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होने वाले हैं। ठीक है, इससे पूरा एग्जिट करने वाला है, तो ये एक इशू चल रहा था कि ये, ठीक है, ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा यूरोपियन यूनियन यूके। ठीक है, ऐसे न्यूज में आ जाते हैं। अब देख लेते हैं, एक एग्रीमेंट और हुआ है दोस्तों, एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, टेक्निकल असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शियलाइजेशन प्रोग्राम। देखिए प्रोग्राम क्या है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया की है, इसने रिसेंटली लॉन्च किया, ध्यान रखिए इंडिया रशिया ज्वाइंट है ये, है ना, तो किस किस के बीच में, इंडिया एंड रशिया के बीच में कौन सा ज्वाइंट प्रोग्राम है, याद रखिएगा टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शियलाइजेशन प्रोग्राम। देखिए टेक्नोलॉजी में किस तरीके से एसेस किया जाए, कैसे इसकी जांच की जाए, बाकी इस प्रोग्राम को एक कमर्शियल लेवल पे कैसे इसको एक्सेलरेट किया जाए, इसका मीनिंग ये है। क्लियर, तो ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, और बाकी देख सकते हैं इंडिया की साइड से है FICCI, मतलब फेडरेशन ऑफ इंडिया कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ध्यान रखिएगा काफ़ी न्यूज़ में रहता है FICC, और जो रशिया के साइड से ऑर्गेनाइजेशन है फासे, क्लियर, फाउंडेशन फॉर असिस्टेंट टू स्मॉल इनोवेशन इंटरप्राइजेस, ये दोनों मिलकर इन्होंने प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, देखिए जो भी इंडिया हो गया, इंडिया, ठीक है, एक तरफ इंडिया हो गया, एक तरफ क्या हो गया रशिया हो गया, जो भी यहाँ पे देखिए स्टार्टअप कंट्रीज हो गई, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टअप कंट्रीज हो गई और स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप कंपनीज हो गई, और जो भी यहाँ पे स्टार्टअप कंपनीज हो गई, मतलब जो अभी स्टार्ट किया कंपनी ने काम, और बाकी जो भी है SME, ध्यान रखिएगा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो ये दोनों दोस्तों इंडिया के साइड में और रशिया के साइड में दोनों आपस में कनेक्टिविटी लिंक बनाने की बात कही जा रही है। ठीक है, यहाँ का जो स्टार्टअप है, यहाँ का जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, और जो रशिया का है, दोनों आपस में एक लिंकेज प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, जिससे कि आने वाले टाइम में एक नया सोल्यूशन प्रोवाइड हो सके, ठीक है, और एड्रेस कर सके एक सोसाइटल ग्लोबल चेंज, ठीक है, जो भी चेंज हो रहा है उसके बारे में
आपस में टुगेदर ये वर्क कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनका एक साइन अप हुआ है। बाकी देख सकते हैं ये लगभग ये जो रन होने वाला है एक साल में 2 साइकिल चलने वाली हैं, ठीक है, थीके? और लगभग हर एक साइकिल में 5 प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 साइकिल होंगे एक साल में और एक साइकिल में 5 प्रोजेक्ट ये फंड किया जाएगा। बाकी देख सकते हैं प्रोजेक्ट का फोकस जो रहेगा, कौन से फील्ड में वर्क करने वाले हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी के फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, तो इन सभी फील्ड में ये आपस में वर्क करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों एक वर्ड आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आपस में ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बनाने की टेक्नोलॉजी रशिया के पास में है, ठीक है, और ये होता है कि अगर इंडिया चाह रहा है कि टेक्नोलॉजी यहाँ से ली जाए और जो इसका प्रोडक्शन हो वो इंडिया में ही हो, क्लियर, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ से टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर लाया जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ही होगी, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्लियर। तो एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी वर्क करने वाले हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन जब इंडिया में होगा तो इंडिया में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा स्टेप है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का, क्लियर। बाकी देख लेते हैं FICCCI क्या है, ठीक है। तो ये दोस्तों इस्टेब्लिश हुई थी 1927 में, देख सकते हैं काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ध्यान रखिएगा 1927 में बाय द पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, ठीक है, ठाकुरदास और जीडी बिरला, तो इनके द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी। और एडवाइस किसने दी थी, हमारे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो इनकी एडवाइस पे ये देखिए 1927 में, ठीक है, ये इस्टेब्लिश्ड हो गई थी और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर। अब देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और लगभग 12 स्टेट और 8 कंट्री में फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इसके अंडर में दोस्तों लगभग 25,000 कंपनी रजिस्टर्ड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की FICCI, क्लियर। अब देखिए ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देखिए आपको एग्जाम में नेक्स्ट लेवल में कोई भी एग्जाम आएगा, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल है कि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एस्थ्रोस मिशन क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखिए एस्थ्रोस मिशन है क्या और इस तरीके से पूछ लेता है ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, लॉन्च होने वाला है, तो दोस्तों नासा के द्वारा लॉन्च होने वाला है लगभग 2023 में, ध्यान रखिएगा। एस्थ्रोस मिशन, ये मिशन क्या काम करने वाला है, एक फुटबॉल स्टेडियम साइज का बैलून है, ठीक है, ये देखिए बैलून है, लगभग इसका जो साइज है आपने देखा होगा फुटबॉल स्टेडियम लगभग इतना बड़ा साइज होगा और ये लॉन्च होने वाला है लगभग स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखिए स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है आपने देखा होगा, देखिए काफ़ी सारे जो एटमॉस्फेयर है वो लगभग 4-5 लेयर में बटा हुआ है, देख सकते हैं सबसे पहले जो लेयर आता है दोस्तों ट्रोपोस्फेयर आता है, ट्रोपोस्फेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर आ गया, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर आ गया, फिर मीजोस्फेयर आ गया, फिर एक्जोस्फेयर आ गया, इस तरीके से बटा होता है। जो ट्रोपोस्फेयर में होता है दोस्तों लगभग ट्रोपो मीन्स होता है चेंज, तो मतलब जो वेदर चेंज होता है, जो भी बादल बनते हैं, जो भी क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। उसके बाद में आता है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में एक शांत माहौल रहता है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे वो आप देखते हैं यहाँ पे ओजोन लेयर भी है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो वो कौन से लेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर। तो दोस्तों जो बैलून आने वाला है ये कौन से लेयर पे आने वाला है, ध्यान रखिएगा स्ट्रेटोस्फीयर में लॉन्च होने वाला है, क्लियर। तो देख सकते हैं सेकंड लेयर में लॉन्च होने वाला है और दोस्तों इसी लेयर में आप देख सकते हैं एरोप्लेन भी चलते हैं, ध्यान रखिएगा स्ट्रेटोस्फीयर में, जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर चलते हैं क्योंकि किसी तरह का वेदर कोलिजन ना हो एयरप्लेन के साथ में, इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर में चलाया जाता है, ध्यान रखिएगा ये स्ट्रेटोस्फीयर में लॉन्च होने वाला है। और ये वर्क करने वाला है दोस्तों वेवलेंथ को जानने वाला है जो भी इंडिया से निकल, ठीक है, जो अर्थ से वेवलेंथ निकलती है, ठीक है, उस वेवलेंथ को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करने वाला है, क्लियर। और इसमें जो इस बैलून के अंदर दोस्तों इसमें फिट होने वाले हैं टेलीस्कोप रखा जाएगा, सब सिस्टम होगा, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होंगे और कूलिंग सिस्टम भी होगा इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों एक गैस भरी जाएगी, ध्यान रखिएगा हीलियम गैस, ठीक है, हीलियम गैस होगी इसके अंदर। और एक चीज और होगा क्रायो कूलर क्या है, एक तरीके से ये डिटेक्ट करेगा कि सुपर कंडक्टिव मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर लगभग -268.5 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा ये जो इंस्ट्रूमेंट है क्रायो कूलर ये लगभग कितना टेम्परेचर नाप सकता है -26.5, देख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है बर्फ जमना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं -268 कितना कम टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी ये मेजर करेगा। अब देख लेते हैं एथ्रोस के बारे में इसके फुल फॉर्म क्या है, देखिए इसके फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछ लेते हैं, इसकी देख सकते हैं एस्ट्रोफिजिक्स
स्टेटोस्फेरिक, देखिए स्टेटोस्फेरिक मतलब स्टेटोस्फेयर में लॉन्च होने वाला है, तो एस्ट्रोफिजिक स्टेटोस्फेयर टेलीस्कोप फॉर द हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन और सब मिलीमीटर वेवलेंथ। तो देखिए दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो इसको ऑपरेट करने वाला है जेट प्रोपल्जन लेबोरेटरी नासा के द्वारा ये ऑपरेट होने वाला है। बाकी इसका एम क्या लगा, 3D मैपिंग देने वाला, ठीक है, 3D मैपिंग देने वाला है गैस की, स्पीड ऑफ द गैस, मोशन और डेंसिटी, ठीक है, जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं तो उसकी क्या डेंसिटी है, क्या मोशन है, क्या स्पीड है, उसकी एक 3D एक क्रिएट करने वाला है, मैप क्रिएट करने वाला है। ध्यान रखिएगा इस मिशन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा जैंट स्टार क्या होते हैं, गैलेक्सी में बहुत बहुत बड़े स्टार होते हैं, तो उसका क्या अनसोल्व पजल, उसके बारे में पूरी डिटेल, कैसे फॉर्म्ड हुए, क्या हुआ, तो उसके बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस जानने को मिलेगी, ठीक है। इसका जो ये एक पहला मिशन है जो डिटेक्ट करेगा और मैप करेगा किसको दोस्तों, जो इसमें प्रेजेंस होंगे नाइट्रोजन आयन, ध्यान रखिएगा, और जो नाइट्रोजन आयन हेल्प करेंगे कि जो भी देखिए सुपरनोवा एक्सप्लोजन, मासिव स्टार, देखिए बहुत सारे बड़े बड़े स्टार होते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन का मतलब है जो बहुत बड़े बड़े स्टार होते हैं तो उसका दोस्तों एक इंड भी हो जाता है, ठीक है, एक तरीके से टूट जाते हैं वो, तो किस तरीके से टूटते हैं, बाकी टूटने के बाद में उनका एक रीशेप बनता है जो गैस क्लाउड बनता है, तो इस तरीके से जानने को मिलेगा किस तरीके से टूटते हैं और किस तरीके से एक बड़ा सा गैस क्लाउड बनता है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा मिशन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है और ये एग्जाम में दोस्तों जनरली पूछ लिया जाता है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा नासा के द्वारा ये एस्थोस मिशन चलाया गया, क्लियर। अब देख लेते हैं फाओ, आज देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा अगर कोई भी नेक्स्ट लेवल का एग्जाम होगा तो। देखिए इस तरीके से फॉरेस्ट का हो गया, एनवायरनमेंट का हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और काफ़ी अच्छी रैंक हासिल की है इंडिया ने, एक रिपोर्ट आई है दोस्तों ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असाइनमेंट, ध्यान रखिएगा ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असाइनमेंट, और ये रिपोर्ट दी है ये फाओ ने दी है, फाओ मीन्स, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन। तो ध्यान रखिएगा जो रिपोर्ट डायरेक्ट पूछ लेता है, जो रिपोर्ट पब्लिश की है ये किसने की है, फाओ ने की है, जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इंडिया की जो रैंक आई है दोस्तों फॉरेस्ट में लगभग वर्ल्ड में तीसरे नंबर की आई है, देखिए काफ़ी अच्छा अचीवमेंट हुआ, तो तीसरे नंबर की हुई है, क्यों आई है, क्योंकि किसमें आई है दोस्तों, रेज इन द फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है उसमें लगभग थर्ड रैंक आई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी फॉरेस्ट कवर का प्रोग्राम चल रहा है कि फॉरेस्ट को किस तरीके से बढ़ाया जाए, ठीक है, फॉरेस्ट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, रेज हुआ है, तो उस रेज के पर्पस से इसकी रैंक आई है, लगभग थर्ड नंबर की रैंक आई है, क्लियर। और देख लेते हैं इंडिया टॉप, ठीक है, टॉप 10 कंट्री में थर्ड रैंक इसकी आई है, बाकी किसमें आई है दोस्तों, इंक्रीमेंट इन द फॉरेस्ट कवर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ये लगभग जो फाओ देता है लगभग 5 साल में एक रिपोर्ट देता है। अब देख लेते हैं कुछ इसकी रिपोर्ट का एक कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, लगभग इंडिया का लगभग 2% जो है दोस्तों, जो टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट है, जो टोटल वर्ल्ड का फॉरेस्ट है, लगभग 2% इंडिया में फॉरेस्ट पाया जाता है, क्लियर। और दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो पूछा जा सकता है, जो एनुअल गेन हुआ है, एनुअल गेन हुआ दोस्तों हो रहा है 3.8%, लगभग एक साल में जो फॉरेस्ट इंडिया का बढ़ रहा है लगभग 0.38% बढ़ रहा है, और लगभग कितने हेक्टेयर बढ़ रहा है हर साल, देख सकते हैं 266,000 हेक्टेयर, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा ये फैक्ट पूछ लिया जाता है, तो कितना बढ़ रहा है हर साल, परसेंटेज के टर्म में देखा जाए 0.38%, और अगर हेक्टेयर के टर्म में देखा जाए 266,000, क्लियर। तो देखिए डायरेक्टली फैक्ट ये पूछ ले जाते हैं। अब एक रिपोर्ट हो रही है कि लगभग 1990 से और 2015 तक कितना हमारा जो, ठीक है, कितना इंक्रीमेंट हुआ, लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर इंक्रीमेंट हुआ, ध्यान रखिएगा 25 मिलियन हेक्टेयर 1990 से 2015 तक इंक्रीमेंट हुआ है। अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए कि अगर इस फॉरेस्ट्री सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, ध्यान करिएगा, जो ग्लोबली एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है लगभग दोस्तों 12.5 मिलियन पीपल को एम्प्लॉय किया जाता है लगभग फॉरेस्ट्री सेक्टर में। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो एम्प्लॉयमेंट देता है इस सेक्टर में 6.23 मिलियन, ध्यान रखिएगा 6.23 मिलियन जो वर्ल्ड में लगभग इंडिया में इतना जो है पीपल को एम्प्लॉयमेंट देता है, जॉब देता है, किसमें, फॉरेस्ट्री फील्ड में, क्लियर। और लगभग जो है लगभग 50% बताया जा रहा है, लगभग 50% जो वर्ल्ड की फॉरेस्ट्री एम्प्लॉयमेंट है लगभग इंडिया ही प्रोवाइड कराता है, ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं इंडिया जो है लगभग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है फॉरेस्ट
सेक्टर में। अब देखिए कॉन्टिनेंट की बात आए कि सबसे ज्यादा कौन सा कॉन्टिनेंट है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि ऐसा कौन, देखिए जो कॉन्टिनेंट है सबसे ज्यादा किस कौन से कॉन्टिनेंट में जो फॉरेस्ट कवर गेन किया, ध्यान रखिएगा वो फॉरेस्ट कवर है दोस्तों एशियन कॉन्टिनेंट, ध्यान रखिएगा है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, यूरेशियन कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, तो जो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट जो गेन किया है ध्यान रखिएगा एशियन कॉन्टिनेंट ने गेन किया है, क्लियर 2010 से 2020 तक, ये तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों वो 10 कंट्री कौन कौन सी है जिन्होंने टॉप किया है इसमें जो फॉरेस्ट गेन है, ध्यान रखिएगा फॉरेस्ट गेन है, फॉरेस्ट के इंक्रीमेंट में जो टॉप किया है वो 10 कंट्री है दोस्तों। सबसे पहली जो है पूछ सकता है चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, चीले, वियतनाम, टर्की, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, इटली, जर्मनी, तो टॉप 5 भी याद रख सकते हैं और ये क्वेश्चन भी याद रख सकते हैं जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट गेन किया है वो कंट्री कौन सी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा चाइना, ठीक है चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने 10 लगभग सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर गेन किया है, क्लियर। उसके बाद में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया थर्ड पोजीशन पे है, ध्यान रखेगा ये रिपोर्ट है की फाइंडिंग है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020, क्लियर, तो ध्यान रखेगा फाओ ने ये रिपोर्ट रिलीज किया। अब देखिए जब फाओ का जिक्र हो गया तो इसको थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं, आखिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर, इसका पर्पज क्या है, डिफीट करना हंगर को और इम्प्रूव करना है न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है तो किस तरीके से हंगर को खत्म किया जाए और न्यूट्रिशन और फूड प्रोडक्शन कैसे, ठीक है प्रोवाइड, ठीक है कैसे किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए इसकी क्वालिटी को, क्लियर। इसका मोटो देख लेते हैं लेट देयर बी ब्रेड, ठीक है इसका मोटो है और ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई थी, काफी बार आया है क्वेश्चन पूछा गया है कि कब फाउंड हुई थी, 1945 में फाउंड हुई थी, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में, ध्यान रखिएगा लगभग 130 कंट्री से ज्यादा यहां पर ये फैली हुई है, ऑपरेट हो रही है। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके डायरेक्टर जनरल दोस्तों ध्यान रखिएगा क्यू डोंग्यू, ये देखिए ये इनके डायरेक्टर जनरल हैं फाओ के, क्लियर। अभी देखिए अभी अनाउंस किया लगभग जो खेलो इंडिया यूथ गेम है फोर्थ एडिशन का कहाँ होने वाला है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछ लिया था, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं श्री किरण रिजिजू, तो इन्होंने अनाउंस किया जो अगले लेवल फोर्थ एडिशन का जो होस्ट होने वाला है तो होस्ट कंट्री है दोस्तों हरियाणा, ध्यान रखिएगा तो हरियाणा इसको होस्ट करने वाली है इस गेम को और ये कम होने वाला है लगभग टोक्यो ओलंपिक होने वाला है 2020 में, तो इसके बाद में ये अनाउंस होने वाला है, शेड्यूल होने वाला है और स्पोर्ट्स जो अथॉरिटी है इन्होंने बता रहे हैं कि लगभग जो कोविड-19 चल रहा है लगभग इन्होंने 30,000 जो भी इसमें प्लेयर हैं इनको, ठीक है इनके अकाउंट में ये मनी डाली है और बाकी 8.25 करोड़ जो है इसमें एलोकेट किए गए। अब देख लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है और क्या इसका नाम है, देखिए इसका जो पहला नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम, ठीक है बाद में इसका नाम चेंज कर दिया खेलो इंडिया यूथ गेम, तो दोस्तों जनवरी से फरवरी तक होते हैं, क्लियर। और देख लेते हैं लगभग ग्रास रूट लेवल गेम, देखिए देख सकते हैं खो खो हो गया और बहुत बहुत जो देख सकते हैं जो गांव वगैरह में ग्रास रूट लेवल पे जो गेम खेले जाते हैं तो उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है ये चलाया गया था प्रोग्राम, तो देख सकते हैं। और बाकी ये दो कैटेगरी में लगभग अंडर 17 का चलता है और अंडर 21 का चलता है, ध्यान रखिए जैसे सुना होगा आपने अंडर 19 टीम अंडर 20, ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पे अंडर 17 और अंडर 21 दो कैटेगरी की टीम होती है, ठीक है जो अंडर 17 में आते हैं दोस्तों ये स्कूल के स्टूडेंट होते हैं और जो अंडर 21 में आते हैं लगभग कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च की थी 2018 में, ध्यान रखिएगा 2018 में लॉन्च की थी खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से, क्लियर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसमें एक प्रोग्राम चलाया जाता है टोट, ध्यान रखिएगा टोट किसका प्रोग्राम है, टोट खेलो इंडिया का ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ठीक है इसमें क्या होते हैं जो भी इंटरेस्टेड होते हैं जैसे टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फिजिकल एजुकेशन, यहाँ इन सबको ट्रेन किया जाता है, क्लियर। अब देख लेते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ये कब स्टेब्लिश हुई थी, 1982 में स्टेब्लिश हुई थी, ध्यान रखिएगा डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही पूछा जाता है कि स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है और किसके उसमें बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द हॉकी लेजेंड प्लेयर, ध्यान रखेगा मेजर ध्यानचंद, ठीक है तो इनका बर्थ एनिवर्सरी 29 अगस्त, तो इस दिन ये स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। अब देख लेते हैं अभी देखिए अभी फोर्थ एडिशन अभी जो है लॉन्च अभी जो होने वाला फोर्थ एडिशन का होने वाला है हरियाणा में, इससे पहले 3 एडिशन हो चुके हैं तो देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए पहला एडिशन, सेकंड और थर्ड। पहला एडिशन जो हुआ था 2018 में हुआ था दिल्ली में, हुआ था होस्ट कंट्री 2000 दिल्ली में थी, और 2019 में जो हुआ था दोस्तों पुणे में हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक है होस्ट इसने किया था, और जो 2020 में अभी जनवरी फरवरी में हुए गुवाहाटी असम में हुआ था। अब जो होने वाला दोस्तों कहाँ होने वाला फोर्थ एडिशन का, हरियाणा में होने वाला है, क्लियर।
अब देख लेते हैं थोड़ी बहुत इसका कि फर्स्ट देखिए जो 2018 में हुआ था, जो टीम जीती फर्स्ट नंबर की जो टीम आई थी वो हरियाणा हुई थी, ठीक है। जो सेकंड नंबर पर आई थी महाराष्ट्र, फिर दिल्ली। लगभग इसने कितने 102 मेडल जीते थे। देखिए टीम इज टोटल मेडल, जी मिस गोल्ड सिल्वर और बी मिस ब्राउन, देखिए TGSB, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं टोटल 102 मेडल थे और ये जीते थे फर्स्ट टीम ने हरियाणा ने, लगभग 38 गोल्ड। तो आप सब देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं 2019 में जो हुआ था, जो तो पहले हरियाणा ने किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, टॉप। इसके बाद भी जो लास्ट टू हैं उसमें दोनों देखें महाराष्ट्र ने टॉप किया, ठीक है, महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा। लास्ट टू में पिछले साल भी, उससे पहले भी महाराष्ट्र ने टॉप किया है, क्लियर। अब देख लेते हैं, अभी देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, देखिए अभी ग्रामीण वगैरह देख आप देख रहे हो काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और काफ़ी सारे मकान बनाए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो देखिए इसका जो कंप्लीशन टाइम है इसका थोड़ा कम कर दिया गया, 114 दिन कर दिया गया लगभग। पहले दोस्तों था 314 दिन, तो ध्यान रखिएगा 314 से 114 दिन इसका टाइम पीरियड कम कर दिया गया इसको, इसको वर्क कंप्लीट करने के लिए। बाकी देख सकते हैं इसका जो डे कौन प्रोवाइड कराता है जो डे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। तो ये इंस्टीट्यूशन क्या है, इसका डे प्रोवाइड कराता है। बाकी इसका टारगेट है लगभग इस प्रोग्राम का लगभग 2.95 करोड़ हाउस बनाने का है लगभग 2022 तक। और जो ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ये जो भी बनाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, ठीक है, किसके लिए दोस्तों, हाउसिंग फॉर ऑल 2020, ठीक है, 2022, ठीक है, तो इसके लिए प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। और देख लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी क्या है। ये दोस्तों एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो जो भी पब्लिक की इकोनॉमिक और पॉलिसी को, ठीक है, प्रोवाइड कराता है कि किस तरीके से पॉलिसी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो इस तरीके से ये होता है। बाकी किस मिनिस्ट्री के अंडर में था, मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, और जो फाउंड होती 1976 में। थैंक यू एवरी वन, स्टे सेफ एंड हेल्दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर। दोस्तों देखिए टेलीग्राम पर काफ़ी लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए क्या है टेलीग्राम, आप क्या कर सकते हैं टेलीग्राम पर, बहुत जितनी भी मैं वीडियो जो भी आपको ये सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये जितनी भी आपको पूरा कलेक्शन टेलीग्राम पर मिल जाता है। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम आप गूगल प्ले से पहले इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों दो तरीके से आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, जब आपने टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, उसके बाद में सर्च वहां पे जाके सर्च करेंगे, ठीक है, सिविल जोन एकेडमी। तो वहां पे जब सिविल जोन एकेडमी सर्च करेंगे तो वहां पे खुल जाएगा, सिविल जोन एकेडमी आ जाएगा, और वहां पे दोस्तों क्लिक करने पे एक ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ज्वाइन। तो यहां से क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, और आपको डेली PDF यहां से मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन यह है, दूसरा ऑप्शन दोस्तों क्या है कि टेलीग्राम तो आपको पहले डाउनलोड या इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। जो मैं वीडियो ये आप देख रहे होंगे तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट होगी, तो वहाँ से एक इस तरीके से ये सिंबल होगा, यहाँ पे क्लिक करके एक लिस्ट, एक लिंक खुल जाएगी। तो दोस्तों वो टेलीग्राम की लिंक होगी, यहाँ से क्लिक करके सीधा आप टेलीग्राम पे सिविल जोन एकेडमी में पहुँच सकते हैं, और वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने पर दोस्तों क्या होगा, आप इससे जुड़ जाएंगे और जितनी भी मटेरियल है यहाँ पर आपको पूरी PDF मिल जाएगी। देखिए मटेरियल बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम होने वाला है या आगे फ्यूचर में होने वाला है तो उसके लिए रिवीजन की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। तो बहुत चीज़ हम पढ़ते रहते हैं, उसके लिए रिवीजन के लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए, तो यहाँ से आपको डेली मटेरियल प्रोवाइड मिल जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।